गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रांसिस बेकन का एक एसे समझाने जा रही हूँ जिसका नाम है ऑफ स्टडीज। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बतलाया था कि फ्रांसिस बेकन ने अपने एसेज में कौन कौन से लिटरेरी टेक्निक्स स्टाइल्स को यूज किया है, तो वो आप पहले देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाए कि ऑफ स्टडीज में भी उन्होंने वही सारे स्टाइल्स यूज किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नाउ इस ऑफ स्टडीज के बारे में मैंने चार पॉइंट आपको बताए हैं, उसके बाद मैं इस एसे का लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन आपको करके बतलाऊंगी। तो पहली बात की ये एसे जो है वो पहली बार पब्लिश हुआ था 1597 में। फ्रांसिस बेकन के एसेज जो है वो तीन सीरीज में पब्लिश हुए थे, तो 1597 में फर्स्ट सीरीज पब्लिश हुआ था जिसमें कि 10 एसेज थे और उस 10 एसेज के कलेक्शन का फर्स्ट एसे था ऑफ स्टडीज। लेटर बाद में चल के 1612 यानी 1612 में ये एसे फिर से पब्लिश हुआ था। इनका नेक्स्ट एक फिर से पब्लिश हुआ था एक कलेक्शन ऑफ एसेज, उसमें ये वाला एसे भी था और उसमें कुछ रिवीजन था, मतलब कुछ उसमें चेंजेस थे, जैसे कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और आइडियाज का एडिशन था, प्लस कुछ वोकैबुलरी टर्म्स में भी चेंजेस थे, अल्टरेशन था। दिस एसे इज रिगार्डेड एज बेकन्स मास्टरपीस इनरिच्ड विद स्टाइलाइज्ड लैटिन वोकैबुलरी। इस एसे को बेकन का मास्टरपीस माना जाता है, मींस दिस एसे इज वन ऑफ द मास्टरपीसेस रिटन बाय फ्रांसिस। और इसमें क्या क्या, आफ्टर ऑल व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक इट अ ग्रेट लिटरेरी वर्क, तो इसमें जो वोकैबुलरी इन्होंने यूज की है वो बहुत ही स्टाइलाइज्ड लैटिन वर्ड्स को यूज किया है और बहुत ही सारे फ्रेश न्यू आइडियाज, और उनके आइडियाज को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो भी काफी यूनिक है। जब आप उस एसे को पढ़ेंगे तो आपको भी ये बात लगेगी। और उन्होंने जो इसमें अपना जो आइडियाज डाले वो काफी यूनिक है और लॉजिकल है, मतलब अगर आप उस पर तर्क करना चाहिएगा तो वो प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल सही। एंड दे आर रिलेटेड टू सम लॉजिकल रेलिवेंट थीम्स एंड विजडम ऑफ द वर्ल्ड दुनिया, मतलब अगर आप इनके सारे एसेज को पढ़ लेंगे तो समझिए कि दुनियादारी के तरीके आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अडॉप्टिंग अ डिडैक्टिक अप्रोच, डिडैक्टिक मीन्स अ पीस ऑफ वर्क, अ लिटररी वर्क जो कि आपको कोई मोरल लेसन देता हो या कोई भी तरह का एक लेसन, एक नॉलेज देता हो, तो ऑफकोर्स इनके जितने भी एसेज इससे ये डायरेक्ट एक चीज आपको एक मोरल लेसन देना चाहते हैं, एक बात कहने चाहते हैं जो कि एक नॉर्मल पब्लिक को अपील कर सके। सो ही अडॉप्ट्स अ डिडैक्टिक अप्रोच, द एसे इन्फॉर्म्स द रीडर्स अबाउट द बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ स्टडीज इन वन्स लाइफ। जो एसे वो रीडर्स को ये इन्फॉर्म करता है कि जो स्टडीज है, पढ़ना लिखना है, उसका रोजमर्रा की जिंदगी में, एक डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बेनिफिट्स है। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू द एसे ऑफ स्टडीज। चलिए मैं उसका लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन में आपको करके बतलाती हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट द लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसे ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, for ornament is in discourse and for ability is in judgment and disposition of business. So studies जो है, जो पढ़ना है, किताबों को पढ़ना, that serve for delight, वो आपको खुशी भी देता है, आनंद भी देता है, और उसको आप एक शो ऑफ के लिए, ornament मतलब जो आप, जो हम लोग ज्वेलरीज पहनते सजावट के लिए, शो ऑफ के लिए, तो आप स्टडीज को शो ऑफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, दिखावे के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को, अपने स्टेटमेंट्स को एक अच्छा दिखलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उससे आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी भी बढ़ती है। तो डिलाइट मतलब खुशी का यूज कब है, जब हम आप अकेले होते, जब हम प्राइवेट में होते, अकेले होते, हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो आप किताब पढ़ के हमको खुशी मिलती है, हम इंगेज्ड भी फील करते हैं। या फिर जब हम रिटायर्ड, मीन्स हम जब थके हुए होते, सपोज कोई ऑफिस से आता है और रिलैक्स कर रहा है उस वक्त, कोई वो अच्छी सी बुक पढ़े तो उस वक्त भी अच्छा फील होता है। फॉर ऑर्नामेंट, वो स्टडीज ऑर्नामेंट की तरह कब सर्व करता है, आपके स्टेटमेंट्स को कब दिखाता है या शो ऑफ कब करता है, जब व्हेन इज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब देखिए, मैंने लिखा डिस्कशन, डिबेट या कन्वर्सेशन, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आप अगर उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं, अगर आपने अपने अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखा है, अपने जो आपके नॉलेज उसको एक्सप्रेस करना सीखा है, वो कैसे सीखते हैं, हम पढ़ने से।
तो जो पढ़ाई है वो ऑर्नामेंट की तरह कब काम करती है, शो ऑफ करने के लिए कब यूज होती है, जब आप किसी डिस्कशन में है, कन्वर्सेशन में है। और वो एबिलिटी की तरह तब यूज होती है जब आपको कोई चीज में जजमेंट देना हो, जब आपको डिसाइड करना हो कि आप कौन सा रास्ता ले, कौन सा रास्ता आपके लिए सही हो, या कोई और जजमेंट में। एंड डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन कहते हैं रेगुलेट करना, जो आपका बिजनेस है, कोई काम है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, रेगुलेट कैसे करेंगे, तो उसमें भी स्टडी हेल्प करती है। तो यहां पे उसका यूज क्या है कि वो आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत को बढ़ाती है। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न्ड। कि जो एक्सपर्ट आदमी, जो मान लीजिए काम करते करते कोई चीज सीख गया है, तो वो एग्जीक्यूट ठीक से कर सकता है, वो लॉज को ठीक से बना सकता है, मतलब सॉरी एग्जीक्यूट करना मतलब वो ठीक से सब कुछ को ला सकता है, लेकिन और शायद वो पर्टिकुलर्स को जज भी कर सकता है एक के बाद दूसरा, लेकिन जनरली कोई, ये एक्सपर्ट मैटर है, कोई आदमी एक फील्ड में काफी एक्सपर्टीज हासिल किया है तो अपने फील्ड के काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है, उस काम को अच्छे से अकम्पलिश कर सकता है, कर सकता है, और अब उस काम के पर्टिकुलर्स को भी वो जज कर सकता है। लेकिन जो जनरल डे टू डे लाइफ में जो आपके काउंसिल्स है, मतलब एडवाइसेस आपको चाहिए, प्लॉट्स मीन्स प्लान्स, जो आपके प्लान्स हैं, या फिर मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स होने चाहिए। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स मीन्स मार्शल मतलब टू अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स मीन्स जो आपका कोई भी काम है उसको आप अरेंज, कोई भी काम उसको अरेंज कैसे करेंगे, उसको प्रॉपर मैनर में कैसे करेंगे, ये वही लोग बतला सकते हैं, वही लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं जो कि लर्न्ड है, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़े हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। पढ़ाई को बहुत ज्यादा दिन भर पढ़ते रहना, दैट इज लेजीनेस, मतलब आप चुपचाप बैठे में दिन भर पढ़ रहे कोई और काम नहीं कर रहे, तो इसलिए क्योंकि आप आलसी, आपको कुछ काम करने में मन नहीं लगता, तो बहुत ज्यादा सिर्फ पढ़ना, दैट इज स्लॉथ, दैट मेक्स यू लेजी, दैट इज लेजीनेस। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन कहते हैं कि आप कोई चीज आपके पास है नहीं मगर आप उसको शो ऑफ कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा कि आप इस तरह से बोल रहे हैं कि आपको बहुत नॉलेज है किसी फील्ड के बारे में, तो एक्चुअली यू डोंट हैव दैट नॉलेज, यू आर जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ, आप सिर्फ अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा उसको डिस्कशंस में काफी ज्यादा भी आपको बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए, वरना इट विल मेक अदर्स फील दैट यू डोंट पजेस द नॉलेज बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ। इज अफेक्टेशन टू मेक जजमेंट होल्ली बाय द रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। मतलब सिर्फ कोई भी लाइफ में आपने कोई चीज पढ़ लिया कि ऐसे सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए और आप सिर्फ उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक मजाक, दैट इज जस्ट अ ह्यूमर। स्कॉलर कहते हैं जो बहुत ज्यादा किसी फील्ड में किसी को नॉलेज होता है। तो अगर मान लीजिए किसी इंसान को किसी फील्ड में काफी नॉलेज है और वो सिर्फ अपने उसी नॉलेज के हिसाब से जो उसने किताबों में पढ़ा वही कर रहा है, तो क्या है कि वो किसी के एक्सपीरियंस को यूज नहीं कर रहा, और हर इंसान के लिए एक ही सिचुएशन जो है वो अलग अलग चीजें पोज करती है, अलग अलग चीजें उसमें होती हैं, और उसको हर एक आदमी का अपना सिचुएशन में उस सिचुएशन की क्या मांग है उस तरह से डील करना चाहिए। सिर्फ वो रूल्स के हिसाब से फॉलो कर लेगा तो वो सही नहीं होगा, उसको उस सिचुएशन में एग्जैक्ट क्या, उसको खुद के माइंड को भी अप्लाई करना पड़ता है। सो अगर आप सिर्फ जजमेंट, सिर्फ कोई किताब आपने पढ़ ली किसी चीज पे, लाइक अगर आपने पढ़ ली कि आदमी सैड होता है तो उसको आपको चॉकलेट खिलाना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, और आप अब हर इंसान के साथ वही कर रहे, तो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हमेशा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नीड्स होती हैं। सो हमेशा पढ़ाई लिखाई के रूल्स के हिसाब से नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स लाइक अ ह्यूमर, वो एक मजाक हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस के डिफरेंट डिमांड्स होते हैं। दे परफेक्ट नेचर मीन्स स्टडीज जो होती हैं वो आपके नेचर को, किसी इंसान के नेचर को, बिहेवियर को परफेक्ट करती है, एक्चुअली में उसको सिखाती है कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। एंड आर परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस, और जो स्टडीज होती हैं वो परफेक्ट होती हैं बाई एक्सपीरियंस, मतलब कोई आदमी उसने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन सपोज क्या आपने पढ़ा कि जब कोई धोखा देता है तो बहुत दुख होता है, और उस सिचुएशन में हमको खुद को कैसे डील करना चाहिए, लेकिन आप तब तक उसको उतनी गहराई से नहीं समझ पाएंगे जब तक सच में आपको कोई अपना धोखा ना दे दे। सो एक्सपीरियंस जो है वो परफेक्ट करता है आपको भी और आपकी स्टडीज को भी। प्लस एक एक्सपीरियंस्ड आदमी अगर कोई चीज लिख रहा है स्टडीज में, मतलब वो लिख रहा है जिसको कि कोई और पढ़ेगा, तो वो भी एकदम परफेक्ट लिखता है।
सो एक्सपीरियंस जो है वो स्टडीज को परफेक्ट करता है और स्टडीज हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को परफेक्ट करता है. फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, दे नीड प्रूनिंग बाय स्टडी. जो नेचुरल एबिलिटीज होती है, मतलब कोई भी एबिलिटी जो हमारे अंदर है कोई भी चीज़ करने की, चाहे वो ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या लाइक विट्स हो, राइटिंग सेक्शन हो, पोएट्री लिखने के का एक एबिलिटी हो, तो वो सारे एबिलिटी एक नेचुरल प्लांट्स की तरह होते हैं. जैसे नेचुरल प्लांट्स को हम प्रूनिंग करते हैं, मतलब प्रूनिंग का मतलब प्रूनिंग, मतलब उसको हम कटनी छटनी करते हैं कोई भी प्लांट्स को ताकि वो और भी प्रॉपरली ग्रो कर सके, उसी तरह से शेप देने के लिए भी प्रूनिंग करते हैं. तो उसी तरह से हमारी जो एबिलिटीज होती हैं हमारे अंदर, उसको शेप देना पड़ता है, और वो शेप कैसे मिलता है, तो बाय स्टडिंग. सो स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टडीज देमसेल्फ डू गिव फोर्स डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस. और स्टडीज जो होती है वो डायरेक्शन तो आपको देती है, लेकिन वो डायरेक्शन टू मच एट लार्ज का मतलब है कि वो डायरेक्शन जो है वो उतना सफिशियंट नहीं हो पाएगा एक्सेप्ट जब तक कि आप उसको एक्सपीरियंस से बाउंड ना करें. मतलब स्टडीज इंपॉर्टेंट हैं डायरेक्शन देने के लिए कि आदमी को कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तभी परफेक्ट होगा, वो स्टडीज तभी कंप्लीट होगी जब उस स्टडीज के साथ आपको एक्सपीरियंस का भी एक कॉम्बिनेशन मिल जाए. क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज. क्राफ्टी मैन कहते हैं वैसे क्लेवर लोगों को जो अपने मंजिलों को अचीव करने के लिए अनफेयर मेथड्स को यूज करते हैं. तो जो लोग अनफेयर होते हैं वो पढ़ाई लिखाई को अंडर वैल्यू करते हैं, वो उसको वैल्यू नहीं करते. जो सिंपल लोग होते हैं वो पढ़ने लिखने को एडमायर करते हैं, वो स्टडीज को, पढ़ाई को की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो वाइज मैन होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते, मतलब वो उसको पढ़ते हैं, उसको यूज करते. वाइज मैन यूज स्टडीज, वो उसको सिर्फ पढ़ के एडमायर नहीं करते बल्कि उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं. फॉर द टीच नॉट देयर ओन यूज, क्योंकि जो स्टडीज होती वो अपना यूज आपको नहीं सिखलाती, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाई ऑब्जर्वेशन. लेकिन वो एक विजडम है जो आप स्टडीज, दैट इज अ विजडम जो कि वाइज लोग यूज करते हैं, और वो उनके विजडम को और भी बढ़ा देता है स्टडीज जो है, क्योंकि स्टडीज के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉपरली एक विजडम से कोई भी काम कर सकें. और ये विजडम आता कहाँ से है, तो दैट इज वन बाय एक्सपीरियंस. मैंने पहले भी कहा कि एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, क्या आप कोई चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए जो एक सही रिजल्ट मिले. तो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन की वजह से आपको एक नॉलेज हुआ, और उस आदमी ने जिसको नॉलेज हो उसने मान लीजिए कोई बुक लिखा, तो उसको पढ़ के हम भी वाइज होंगे और हम भी प्रॉपरली सिचुएशन से डील कर पाएंगे. नेक्स्ट लाइन, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट. आप इसलिए ना पढ़ें कि आपको किसी से जब बहस करनी हो तो उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकें, या टू कॉन्फ्यूट. कॉन्फ्यूट का भी वही मतलब है कि किसी को गलत साबित करने के लिए ना पढ़ें. नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, कि आप जो पढ़ रहे हैं ना ही इसलिए पढ़ें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको एकदम आँख बंद करके भरोसा कर लिए और जैसा है उसको फॉर ग्रांटेड ले लिए. नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही इसलिए पढ़ें कि आप, चूंकि आपको कोई चीज़ का ज्ञान है किसी फील्ड में, किसी टॉपिक पर आपको नॉलेज है तो आप उस पर डिस्कस कर सकें, उस पर बातें कर सकें, इसलिए भी नहीं पढ़ें. बट टू वे एंड कंसिडर, बल्कि इसलिए तब पढ़ें, इसलिए पढ़ें कि जो भी आपने पढ़ा उसको आप तौल सकें कि कितना सही है और कितना गलत है, और तब उसको अपने डे टू डे लाइफ में एक्सेप्ट करें, उसको कंसिडर करें. ये एक बहुत ही अच्छा लाइन है जो कि आप एज कोटेशंस भी यूज कर सकते हैं. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वालोड, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड. क्या कह रहा है, दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, अदर टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विथ डिलीजेंस एंड अटेंशन. कह रहा है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ टेस्ट करना, मीन्स लाइक आपने किसी किताब के बारे में सुना, दैट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी, बहुत फेमस कोई बुक हुई सपोज, तो क्या है कि आपने उस बुक को खरीद लिया और एक्चुअली उसमें क्या है ये जानने के लिए सिर्फ आपने उसके कुछ पार्ट्स पढ़े. तो जस्ट यू हैव टेस्टेड द बुक, यू हैव जस्ट रेड इट इन पार्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एक्चुअली अबाउट. कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिसको दैट आर जस्ट टू बी स्वैलोड, मतलब कि आप उसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन यू आर नॉट इंजॉइंग इट, बहुत क्यूरियोसिटी से, बहुत इंजॉयमेंट से बहुत आप पढ़ नहीं रहे, जस्ट यू आर
जैसे खाना आपने कोई दवा उसको स्वैलो कर गए, निगल गए, उसका टेस्ट आपने ले लिया, उसी तरह से कुछ बुक्स ऐसे होती है जिसको सिर्फ आप पढ़ जाते हो बट यू आर नॉट क्यूरियसली इंजॉइंग इट. लेकिन कुछ बुक ऐसी होती है दैट आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, जिसको कि हम च्यू करें. च्यूज एंड डाइजेस्टेड मतलब क्या, कोई चीज़ को आप अच्छे से चबा चबा के टेस्ट लेके खा रहे हैं और वो चीज़ जब आप डाइजेस्ट कर लिए, मतलब वो फूड फूड के सेंस में कर ले, तो वो आपके पूरे बॉडी में उसका न्यूट्रिएंट्स फैल गया. उसी तरह से कुछ बुक्स ऐसे होती हैं जिसको कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पूरा पढ़ें और काफ़ी केयरफुली अटेंशन के साथ पढ़ें और आप उसको काफ़ी इंजॉय करें, और इस तरह से आपने आपको वो बुक अच्छी लग जाती है कि उस बुक का जो भी एसेंस है, जो भी उसका थीम है, जो भी उसके अंडरलाइंग वर्ड्स, उस अंडरलाइंग वर्ड किसी लाइन के एक्चुअली उसका हिडन मीनिंग क्या है, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं. प्लस वो बुक के लाइंस, उस बुक का थीम, उस बुक का मीनिंग एसेंस आपके आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है. तो कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं. सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डिप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाई अदर्स. अब कुछ बुक्स ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई कोर्स का बुक है, उसका कोई कोर्स में कोई पोएम है, उसका आपने समरी पढ़ लिया, तो उसी तरह से कुछ बुक्स ऐसे होती जिसका आप जिससे कि आप कोई असिस्टेंट से या किसी आदमी के लिखे हुए समरी को आप पढ़ लेते हैं, या कुछ बुक्स ऐसी जो आपका कोई डिप्यूटी, आपका कोई असिस्टेंट, कोई जूनियर आपको बस बतला दे कि इस बुक में ऐसा ऐसा लिखा है. और कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसको आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, मतलब किसी बुक का आपने अंश पढ़ा, उसका समरी पढ़ा, बिकॉज जस्ट बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स. तो ऐसे बुक्स जो कि आपने पढ़े सिर्फ असिस्टेंस लेके, किसी का हेल्प लेके, आपने खुद उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, उसका हिडन मीनिंग्स को नहीं समझा, सिर्फ समरी पढ़ा, तो वो बुक्स ठीक है, उसके उसके में जो नॉलेज है वो कुछ आपके दिमाग में चले जाएंगे, लेकिन उसको उस पर आपको कंप्लीट एक मास्टर नॉलेज उस टॉपिक पर, उस बुक पर नहीं हो सकता. तो उस चीज़ को आप सिर्फ एक लेसर इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स में ही यूज़ कर सकते हैं. एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स एल्स डिस्टिल बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर्स फ्लैशी थिंग्स. और कुछ बुक्स जो मीन होते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट होते हैं और बहुत डिटेल में कोई चीज़ को नहीं बतलाते, जस्ट दे आर मेड कि लोग उसको पढ़ें और वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, बस जो डिमांड है उसको वो फुलफिल करते हैं, मतलब जस्ट एक डिलाइट के लिए, छोटी सी बात, एक ओछी सी बात, जस्ट एक शॉर्ट टाइप स्टोरी बतला देते हैं, उसमें कोई बहुत अच्छा थीम नहीं होता, कोई बहुत अच्छा मोरल नहीं होता, कोई बहुत अच्छा लेसन नहीं होता. तो वैसे बुक्स डिस्टिल वाटर की तरह होते हैं, वो सिर्फ फ्लैशी होते हैं, मतलब सिर्फ उसमें एक स्पार्क होता है, लोग उसको खरीदते हैं, वो बहुत बिकती है, लेकिन उसमें कोई एसेंस नहीं होता, वो सिर्फ एक दिखावे की चीज़ रह जाती है. रीडिंग मेक द फुल मैन. जब हम पढ़ते लिखते हैं तो हम एक परफेक्ट मैन, एक पूरे इंसान बनते हैं, एक डेफ्थ में हमारी जो हमारा जो इंटेलिजेंस है, विजडम है, माइंड है, वो गहराइयों तक जाता है पढ़ने से. यह मेक मीन्स मेक्स. कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन. जब आप डिस्कस करते हैं, जब आप कन्वर्सेशंस करते हैं, तो आप एक रेडी मैन बनते हैं, मतलब इन दैट केस जो आपने पढ़ा उसको आप प्रेजेंट करना सीखते हैं, तो इन दैट केस आप क्या रेडी बनते हैं, मीन्स यू आर रेडी फॉर कन्वर्सेशन एट एनी टाइम. तो ये कब होगा, जब आप कॉन्फ्रेंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, तभी ना. एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. और जो आपने पढ़ा उसको जब आप लिखते हो या फिर अपने एक्सपीरियंसेस को जब आप लिखते हो, तो उससे आप एक एग्जैक्ट आदमी बनते हो, क्योंकि राइटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. उससे कम्प्लीटली आपके जो एक्सपीरियंसेस, आपके थॉट्स हैं, वो कम्प्लीटली बाहर निकलते हैं. प्लस राइटिंग से कोई चीज़ हमें याद होती, तो राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन. एंड देयरफोर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी. चूंकि लिखने से याद होती हैं चीज़ें, तो अगर कोई आदमी कम लिखता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी मेमोरी शार्प हो. इफ ही कॉन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट. और अगर कोई आदमी डिस्कशन कम करता है तो ये ज़रूरी है कि उसकी विट, उसके पास एक शार्प विट हो. विट क्या कहते हैं, दैट हाजिर जवाबी, कि किसी भी सिचुएशन में आपके पास तुरंत से एक आंसर हो. तो जब आप डिस्कशंस करते हो तो वो हैबिट हो जाती है, लेकिन अगर कोई आदमी कन्फर कम करता है, अगर वो डिस्कशंस कम करता है, तो उसके पास विट होना चाहिए, वरना उसे प्रॉब्लम हो जाएगी. ही कैन नॉट यूज हिज रीडिंग, हिज एक्सपीरियंसेस और द थिंग्स दैट ही एक्वायर्ड बाय स्टडी. पढ़ लिख के उसने जो भी एक्वायर किया वो उसको यूज नहीं कर पाएगा. अगर वो डिस्कशंस नहीं कर रहा है तो कम से कम उसके पास एक शार्प विट होना चाहिए.
एंड इफ यू रीड लिटिल, अगर कोई आदमी कम पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डजेंट, कि अगर कोई आदमी कम पढ़ता है तो उसको इतना चतुर, इतना स्किल उसमें होना चाहिए ये समझने के लिए कि चूंकि उसने कुछ पढ़ाई नहीं किया तो उसके पास कोई भी स्किल नहीं है. डॉट नॉट मीन्स डज नॉट, सो ही डज नॉट हैव एनी स्किल्स, दैट स्किल ही मस्ट हैव, उसको उतना कनिंग होना चाहिए. हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोएट्स विटी, द मैथमेटिक्स सबटाइल, नेचुरल फिलोसफी डीप, मोरल ग्रेव, लॉजिक एंड रेटोलिक एबल टू कॉन्टेंड. हिस्ट्रीज पढ़ने से इंसान जो होता है वो बुद्धिमान होता है, पोएट्स की लिखी हुई पोएट्रीज पढ़ने से इंसान विटी होता है, और मैथमेटिक्स से वो एग्जैक्ट होता है. सबटाइल मीन्स टू बी क्लेवर, स्किलफुल, शार्प. तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन, और आपने एक गड़बड़ी की तो बहुत बड़े बड़े ग्रेव मिस्टेक्स हो सकते हैं, आपको एकदम गलत हो सकता है. इसलिए मैथमेटिक्स क्या आपको एग्जैक्ट बनाता है, शार्प बनाता है. और नेचुरल फिलोसफी जब आप पढ़ते हैं तो आप, आपके थॉट्स में एक डीप, एक डेप्थ आता है, एक फैदम आता है, एक गहराई आती है, एक मोरल, आपको एक मोरल लेसन मिलता है. मैथमेटिक्स पढ़ने से भी और फिलोसफी पढ़ने से भी आप ग्रेव होते हैं, आप सीरियस होते हैं. लेकिन और एक चीज, लॉजिक और रेटोरिक, रेटोरिक मीन्स अपने लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करना. तो अगर आप रेटोरिकल हैं, अगर आपने लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करना सीखा है बाय यूजिंग सेवरल फिगर्स ऑफ स्पीच, और सिंपली इफ यू हैव लर्न टू डेकोरेट योर लैंग्वेज, टू ऑर्नामेंटली यूज लैंग्वेज, तो आप, यू आर एबल टू कंटेंड, तो फिर आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, आप किसी से बहस कर सकते हो. एबियंट स्टूडिया इन मॉरिस, ये एक लैटिन सेंटेंस है जिसका मतलब है कि स्टडीज, पढ़ाई जो है वही आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, वही आपके कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है. जो आपने पढ़ा वही एक्चुअली आपके बिहेवियर्स में भी शो होता है. नहीं, देर इज नो स्टॉप स्टॉन्ड, सॉरी स्टॉन्ड मीन्स स्टॉप और हॉल्ट, देर इज नो स्टॉन्ड और इम्पेडिमेंट इन द विट, बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज. कह रहा है कि विट जो है, जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसमें कोई रुकावट नहीं कोई चीज डालती है, लेकिन उसको शेप किया जा सकता है. रॉट मीन्स टू मोल्ड और शेप, तो उस चीज को, लेकिन आपके विट को शेप किया जा सकता है बाय स्टडीज. ठीक उसी तरह से जैसे बॉडी के कोई डिजीजेज है, कोई बीमारियां हैं, उसको एक्सरसाइजेस से ठीक किया जा सकता है, उसको एक्सरसाइजेस से कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है. जैसे कि बोलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रिंस, रिंस मीन्स किडनीज, तो बोलिंग करने से आपको स्टोन और किडनीज की एक्सरसाइज होती है. शूटिंग इज शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाइक. मतलब इसी तरह से कुछ कुछ एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो आपके कुछ कुछ बॉडी ऑर्गन्स के लिए, डिजीजेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इफ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, तो अगर किसी इंसान का विट, माइंड जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका दिमाग भटक रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है कोई आदमी, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए. क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर उसने थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन छोड़ी, कॉन्सेंट्रेट करना छोड़ा, तो उसका पूरा क्वेश्चन, पूरा इक्वेशन ही गड़बड़ा जाएगा. तो तब वो सीखेगा कि कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. सो स्टडिंग मैथमेटिक्स इज गुड फॉर अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ना सीख जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होकर काम करना सीख जाएगा. फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, ताकि वो सीखे कि अगर अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कोई चीज, अगर वो काम कर रहा है, तो अगर उसका विट इधर से उधर हुआ, बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी. क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, थोड़ी सी गलती और आपको फिर से पूरा मैथ्स का वो क्वेश्चन बनाना पड़ता है. तो उसी तरह से अगर वो ये समझेगा कि अगर उसने अपनी जिंदगी में कहीं भी प्रेजेंस ऑफ माइंड को छोड़ा, कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ा, तो उसको वो पूरे काम फिर से करने पड़ सकते हैं. इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, लेट हिम स्टडी The schoolmen, for they are simini sectoris. Schoolman कहते हैं एक professional educator को, जो teacher होता है या lecturer होता है. तो अगर कोई आदमी जो अपने दिमाग को apply नहीं कर पाता चीज़ों को अलग अलग differentiate करने में, तो उसको schoolman की पढ़ाई पढ़नी चाहिए, क्योंकि they are simini sectoris. Simini sectoris एक phrase है, लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब होता है हेयर स्प्लिटर्स. तो हेयर स्प्लिटर्स क्या, एक ऐसी चीज जो कि उतने पतले बाल को भी दो टुकड़े में बांट दे, या फिर क्यूमिन स्प्लिटर्स भी बोलते हैं, मतलब जो जीरा को बीच से काट दे. तो इसलिए सिमनी सेक्टोरस उस इंसान को बोलते हैं जो कि बहुत हाईली क्रिटिकल होता है, जो छोटी से छोटी चीजों को बहुत ध्यान से देखता है, बहुत
उसको ऑब्जर्व करता है, छोटी छोटी गलतियों को पॉइंट आउट करता है, तो क्या है कि वो छोटे से छोटे चीज़ों को बारीकियों से देखने की वजह से वो डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस करना सीख जाएगा अगर वो स्कूल में इनकी पढ़ाई करे. इफ़ यू बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस. अगर कोई आदमी जो है वो अपने पॉइंट को, अपने मैटर्स, किसी को बातचीत में, कन्वर्सेशन में बीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता है, और अपने पॉइंट को प्रूफ नहीं कर सकता, अपने जो पॉइंट्स हैं, जो उसके डिस्कशंस के मैटर्स हैं, वो अपने पॉइंट्स को प्रॉपरली इस तरह से नहीं ला सकता कि वो अपने अपने पॉइंट को प्रूफ कर सके, एक चीज़ को प्रूफ कर सके, वो अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उसको ये सीखना चाहिए बाय स्टडिंग द लॉयर्स केसेस. जो वकालत में जो लोग जैसे वकील लड़ते हैं, वो कैसे अपने पॉइंट को प्रूफ करते हैं, तो उस पर बुक्स आते हैं, तो उन बुक्स को पढ़ करके वो अपने पॉइंट्स को प्रूफ करना, अपने अपने जो थॉट्स उसको एक्सप्रेस करना, इस वे में एक्सप्रेस करना, इस वे में उसको शेप देना कि वो अपने पॉइंट को प्रूफ कर सके और सामने वाले को कन्विंस कर सके, ये वो लॉयर्स के बुक से सीख सकता है, उसके केसेस को पढ़ के सीख सकता है. सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, तो दिमाग का, माइंड का कोई भी डिफेक्ट क्यों ना हो, हर एक डिफेक्ट के लिए मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, उसके लिए एक स्पेशल रिसिप्ट है, एक स्पेशल बुक है. सो बुक्स, स्टडीज जो हैं, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके दिमाग की कोई भी खराबी क्यों ना हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते या फिर आप अपने पॉइंट को प्रूफ नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए अपनी एक किताब है जिसको पढ़ करके आप हर कुछ सीख सकते हैं. यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखे हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट डाउन यू कैन राइट इट. यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ऊपर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स इस पेज पे है, दिस इज़ इट, एंड कुछ इसमें भी नीचे हैं अफेक्टेशन का जैसे मीनिंग है. या दिस इज़ या. सो गाइज, होप आपको ऑफ स्टडीज़ अच्छे से समझ आया हो. अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. आप मुझे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है. सो गाइज, बिफोर यू साइन ऑफ, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, keep smiling and have wonderful days. Thank you.